वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, तो इसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखें तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। कि अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है? नहीं, नहीं, सेक्शन नहीं, का हुआ है क्या अपना? नहीं, 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 फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छे तरीके। हाँ सर, बी टू बी केबल टूटा हो, ICU के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तुमने यहाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है? यहाँ मोबाइल में कुछ लाके डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो आईसी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट, जो फॉल्ट फाइंडिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी फाइंड ऐसा सीखना चाहते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम। तो यहाँ पर आपको मिला? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों मेरे साथ में एक स्टूडेंट, कहाँ से आए हो? राजस्थान से। क्या नाम है? जाहिद। आप ये बताइए, क्वालकॉम का क्लास अपने अटेंड किया हुआ है? अब तक सॉफ्टवेयर में कितने दिन हुए हैं? सॉफ्टवेयर में सर चार पाँच दिन। चार पाँच दिन हुए हैं, और आपने किस किस की फ्लैशिंग आप कर लेंगे आप यहाँ पर? सर MI, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और सोनी, आईफोन और LG। और एक आज आपने किस किस की फ्लैशिंग की है? आज इनफोकस और मतलब फास्ट मूव मोड पे। चलिए ठीक है, ड्राइवर यहाँ पे समझ में आ रहे हैं? आपको फ्लैशिंग समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे मैं आपसे क्वालकॉम की बात करूंगा। ये बताओ कि अगर मेरे पास किसी क्वालकॉम का सीपीयू हो तो मुझे वो कैसे पता करूंगा कि क्वालकॉम का सीपीयू लगा है? सर सबसे पहले तो हम गूगल पे टाइप करेंगे। मतलब आपने वो देखिए, आपको पता है कितने तरीके हैं सीपीयू पता करने? तीन तरीके, जिसमें इंटरनेट का, विदाउट इंटरनेट। ये तीन तरीके से हम सीपीयू कोई सा भी मोबाइल का पता कर सकते हैं। दूसरा बात, अब ये बताओ कि अगर मेरे पास में क्वालकॉम का है सेट तो उसमें कितने मोड होते हैं? सर उसमें फास्ट मोड, ADB मोड और एक होता है उसमें डायग्नोस्टिक मोड, और एक होता है फास्ट बूट मोड, एक ADB मोड, जो कि एंड्रॉइड का मोड हो गया। दूसरा उसमें डायग्नोस्टिक मोड होता है। तीसरा QCN फाइल रीड करने के लिए होता है, QCN का एक लिए होता है। QCN फाइल कब रीड करते हैं हम? जब सर्विस बैंड उड़ जाता है। और अगर IME हमें राइट करना है तो कौन से मोड पे करना पड़ता है? डायग्नोस्टिक मोड। डायग्नोस्टिक मोड पे। अगर ये बताइए डायग्नोस्टिक मोड कैसे ऑन करते हैं आपको पता है? पूछूंगा। चलिए अब ये बताइए कि अगर उसके बाद चौथा मोड कौन सा होता है, फ्लैशिंग मोड कौन सा होता है? चौथा मोड फ्लैशिंग मोड को कौन सा मोड बोलते हैं? ADB या कौन सा? EDL मोड सर, जो टेस्ट कभी कभी EDL केबल से भी आता है, कभी कभी उसके टेस्ट पॉइंट भी होते हैं। टेस्ट पॉइंट भी होते हैं। तो EDL मोड लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ सकता है सबसे पहले बताओ? सबसे पहले सर हमें वॉल्यूम की अप एंड डाउन दबाने पड़ेंगे, उससे भी नहीं आया तो EDL केबल से, अगर उससे भी नहीं आया तो उसके टेस्ट पॉइंट से करने पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने क्वालकॉम का फ्लैश फाइल डाउनलोड किया तो उसके साथ मुझे कौन सी फाइल मिलनी चाहिए? सर उसके साथ में MBN फाइल मिल सकती है। MBN फाइल के साथ में, अगर वो MBN फाइल सिंगल आएगी उसके साथ कोई और भी फाइल आनी चाहिए? सर उसके साथ तीन फाइल आएंगी। कौन कौन सी? मतलब MBN को मिलाकर कौन कौन सी? एक तो सर रॉ पैच और MBN फाइल। सो अगर अच्छा ये बताइए कि अगर मेरे पास क्वालकॉम में MBN रॉ प्रोग्राम पैच फाइल ये नहीं मिल रही है, सो कौन सी फाइल आ सकती है इसके अलावा? उसमें MBN0 फाइल आएगी। MB0 और इसके साथ जो टूल यूज करते हैं वो आपको बताया कैसे प्लस करते हैं? SUT टूल। अच्छा ये बताइए अगर MB0 भी नहीं आ रही तो कौन सी फाइल आएगी? फास्ट बूट वाली फाइल आएगी। तो हम वो टूल भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्वालकॉम में कौन सा टूल यूज करना चाहिए क्वालकॉम के लिए फ्लैशिंग के टाइम पे? क्यू फिल क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर। और ये बताइए क्यू फिल हमें कब यूज नहीं करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है डोंगल ये बताइए? UMD मिरिकल करना चाहिए क्या यूज? मिरिकल में सर UMI नल हो जाता है, IMEI नल हो जाता है, IMEI नल हो सकता है। पर अगर क्यू फिल में मैं कर रहा हूँ और कोई क्वालकॉम का सेट है सो IMEI नल हो सकता है? हम QNC फाइल है ना तो हम कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा। तो फिर IMEI फिर बनाने के लिए हमको फिर कौन सा मोड पे जाना पड़ेगा? डायग्नोस्टिक मोड पे जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको पढ़ के कैसा लगा? बढ़िया लगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? सर, आपने हार्डवेयर भी किया सॉफ्टवेयर भी? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। तो यहाँ पर आप सेटिस्फाई हैं? यहाँ पर सर सेटिस्फाई। क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ पर सब्सक्राइबर को? आओ यहाँ और
अच्छी तरीके से सीखो। यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर देखने को मिला है कि नहीं मिला? प्रैक्टिकल भी देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, ये सरन जी नवीन बुक लिया है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, हे 10% लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुटून परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल। अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.